सबकी बाहरी तैनाती करी गई है, बहुत सारी QRTs बनाई गई हैं हर चौक चौराहे पे। आपने आज फोर्स देख ही रहे होंगे, लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में 1000 की लगभग फोर्स का डेप्यूटेशन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा लाठी चार्ज की, किस तरह से छात्रों के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। हर दुकान अभी अबुआ राज में बाबुआ लोग को ढुका रहा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। दोबारा आएंगे तो फिर ये दोबारा नहीं खुलना चाहिए आज। चलिए बंद कीजिए। झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। पढ़ते लिखने वाले लगे कल को कोई बात हो जाए, तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाए, क्यों ऐसा? हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको बड़ा सोच समझ के पालन करना है। जी सर, पढ़ने वाला रहता विरोध प्रदर्शन करो ना, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, कोई भी आदमी को तुम रोड जाम कर देगा, कोई एम्बुलेंस में आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे बाबू, 1 किलोमीटर पीछे लगा देगा, उधर लगा देगा, तुम्हारा उतना बड़ा तो हाथ नहीं है। पीछे में कौन अटका हुआ, किसकी स्थिति कैसी है, इधर भी है पता चल जा रहा है, उधर भी है, इधर भी है, लेकिन रोड जाम करने का, बंद करने का अधिकार आपको नहीं है। जबरदस्त बात समझ में आया, आपके पास नहीं मांग है, मांग लीजिएगा ना, मांग ही सब होता है। जैसे 10 रुपया जो मांगे सरकार उठाओ, नहीं है सब लोग आपको, इसको किनारे करवाइए इसको। अपना घूमो और लाठी डंडा लेके, लाठी डंडा से उसे कोई ये नहीं कर। देखो, लाठी डंडा जो है ये लेके जो निकला है तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, मन में क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। एक बंदी का आपने आह्वान किया, मसाल जुलूस, जहाँ तक आपकी चीजें सही रहेगी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ लगेगा कि आप वैक्स से उतर रहे हैं हम आपको बोलेंगे। आपको जो संवैधानिक राइट मिला है, आपको जो अधिकार मिला है, उसमें कर्तव्यों का भी ख्याल करना है, बात समझ गए ना। हाँ, तो कर्तव्य का बिल्कुल ख्याल करना है कि हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। किसी भी आम आवाम को इस धूप में, इस गर्मी में रोकोगे, किसी को लू लग जाएगा, कोई जवाब दे रोका बताइए, कोई जवाब दे रोका। इसका तो यहाँ पूरा झारखंड में किया गया है, कल पूरा न्यूज़ निकलना नहीं चाहिए। देख लीजिए ना, देख लीजिए सर, उन लोगों को जानना आप सुन लो, जो लोग देख लो बाजार की स्थिति ऐसी रहती है क्या, जिन्होंने समर्थन किया, जिनको जरूरी है वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, उनको आप थोड़े रोक दीजिएगा, उनको तो आप नहीं रोक सकते। काम सुन रहे, पूरे झारखंड के हित के लिए है सर, जो है पूरे झारखंड के हित के लिए, लेकिन जो किसी का व्यक्तिगत हित है नहीं, जिसका प्रॉब्लम हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी पेशेंट लेके आया था हम लोग, छोड़े सर, कुछ इसको आप रोके सर, ये तो माल वाहक है, माल वाहक है, कैसे जाने देंगे सर पूरा। इसमें ड्राइवर जो है वो आम आदमी नहीं है, वो नागरिक नहीं है, नागरिक तो सर, उनका बाल बच्चा के लिए हम लोग नहीं करेंगे सर। अब उसके अधिकार को आपने रोक दिया, सुशीलता का अधिकार है ना, वो कहीं भी जा सकता है, कभी तो अधिकार कहने में होगा सर, बंदी का हो गया तो चलो हो गया, निकलिए।
क्या बोल रहे हैं बाबू? बलपूर्वक यहाँ नहीं है, भड़काने वाली बात मत बोलिए, बात समझ में आया ना? भड़काने वाली बात मत बोलिए, भड़काने वाली बात मत बोलिए, रोड से हट जाओ, रोड से हटिए, रोड से हट जाओ। जवानों की सबकी भारी तैनाती करी गई है, बहुत सारी QRTs बनाई गई हैं हर चौक चौराहे पे। आपने आज फोर्स देख ही रहे होंगे, लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में 1000 के लगभग फोर्स का डेप्यूटेशन है। सारे DSP सारे थाना प्रभारी ऑन राउंड ही हैं, और किसी भी आम जन को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम तत्पर हैं। और छात्र संगठनों से यही अनुरोध रहेगा कि आप अपना जो भी करना है शांतिपूर्वक तरीके, लोकतांत्रिक तरीके और संवैधानिक जो आपको राइट्स हैं उसी के अंदर करें, औरों के संवैधानिक अधिकारों की हनन ना करें। और किसी से भी जोर ज़बरदस्ती से आप करें, अगर प्रयत्न करेंगे तो वो गैरकानूनी है और उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करें। कुछ जगहों से बंद समर्थक बाहर निकलने की सूचनाएं मिल रही थी, मोराबादी सहित अन्य जगहों से, उस जगह की स्थिति क्या है, उसको डिटेन किया गया है क्या? हम वहीं से ही आ रहे हैं जहाँ पे मोराबादी की आप बात कर रहे हैं। सब्जी मंडी एकदम सुचारू तरीके से चालू है और वहाँ पे भी पुलिस बल तैनात है। वो 5-10 मिनट का होता है उनका, सबको खदेड़ के भगा दिया गया है। बंद करिए, झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा। शासन दुनिया साइड में बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ मस्त शांति से बैठे हुए हैं।